सालनी का एक्सप्रेशन जो सालनी का एक्सप्रेशन सालनी का बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में। और आज मैं आधे रास्ते से ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खूंटी, हमेशा की तरह अभी निकलता हूँ मैं, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं और पहुँचना है हम लोग को जल्दी थोड़ा। तो चलते हैं हम लोग, आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया ऑफिस में, और ये ब्लॉग मैं आधे रास्ते से शूट कर रहा हूँ। लगभग मैं ऑफिस से निकल 5-6 किलोमीटर आ गया उसके बाद, और मेरा गोप्रो भी चार्ज नहीं, तो जितना भी होगा जितना देर तक होगा होगा, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली ये तो बंद होना ही है। तो उसके बाद फिर हम लोग सीधा खूंटी में ही मिलेंगे। और आज मैंने सालनी को बताया भी नहीं है कि मैं घर आ रहा हूँ, आज उसके लिए सरप्राइज होने वाला है। देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा अचानक से मुझे देख। यूजुअली मैं सिर्फ वीकेंड में जाता हूँ घर, बट कल वैसा कुछ काम नहीं है ऑफिस में, तो मैं सोचा कि थोड़ा लेट से भी जाऊंगा ऑफिस तो चलेगा, तो घर चला जाए। तो देखते हैं सालनी का रिएक्शन क्या होता है अचानक से मुझे देख के घर में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना यार, और जितने भी नए लोग हो तो आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल में। और वो भी नए लोग हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो भाई को। चैनल मेरा वैसे बहुत पुराना है, लेकिन बीच में मैंने वीडियो डालने बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से मेरे चैनल की रीच जो है वो डाउन हो गई है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट करो कि हम लोग फिर से कम बैक कर सकें एक अच्छे अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर के साथ। फर्स्ट टाइम ऐसा सरप्राइज देने वाला हूँ मैं, बिना बताए उसको जा रहा हूँ मैं घर। और यार भूख बहुत ज़ोर से लगी है, बस खाना मिल जाना चाहिए। और यहाँ से खूंटी और 30 किलोमीटर है, बिरसा चौक हम लोग क्रॉस किए अभी। ना 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 री 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 री। करते करते पहुंच चुके हैं हम लोग बहुत ही घटिया जगह जिसका नाम है हटिया। अभी यहां तो थोड़ी चहल पहल आप लोगों को नजर आ रही है, लेकिन आगे पूरा सुनसान मिलने वाला है, रोड खाली खाली। लास्ट वीडियो में जो कि मैंने दिखाया था आप लोगों को, वो जंगल क्रॉस करना है अभी हम लोगों को, और उधर पूरा खाली मिलेगा, पूरा खाली खाली एकदम। थक दिए थे ना, तुमको क्या लग रहा था? तो गाइस, तो अभी आ चुका है हमारा खाना, ऑमलेट है, रोटी है और आलू मटर की सब्जी, और इसको खाते हैं क्योंकि लगी है मुझे बहुत जोर से भूख यार। और इस कटोरे में है जला हुआ आलू, जो मेरे पापा ने जलाया था खाने के लिए, वो आग में सेक के पुड़ाल आलू बोलते हैं इसको। तो अभी हम लोग खाते हैं खाना। और आरव इतनी रात में अपना गिटार दिखाने के लिए मुझे ले आया है, और बजा के दिखाओ, बजा के दिखाओ। बजा के था ना, कैसे बजता है हमको सिखा दो, तो सिखा दो हमको, बताओ सिखा दो, बजाए। सो गाइस, अभी खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने नए वाले घर में। और देखो यार कितना रात है, और ये पिहंकड़ कौन है साला। हम लोग अभी अपने नए घर में आ चुके हैं, गेट बंद कर देते हैं। बाप रे, ये क्या है? पंखा चालू करके छोड़ दिए तभी से, आए भूल गए तभी। हम सोचे वही कि अचानक से क्या बज रहा है, तो यहाँ मैडम पंखा चालू करके छोड़ दी है। कब आई थी तुम यहाँ? 5:30 बजे। यहाँ से 5:30 बजे, तो मतलब 5:30 बजे से पंखा चल रहा है, सो चल रहा है। मतलब 5:30 बजे से तो छोड़ दी है यहाँ पंखा चला के। जिम छूट गया है तो पूरा एकदम कैसा पूरा पतला दिख रहे हैं, और सारा ठंडा जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है, और जो मोटे मोटे कपड़ा मैंने पहन के रखता था वो सारे उतर रहे हैं, तो भाई शरीर का तो पूरा वाट लग चुका है। जिम इतना दिन बंद है, बंद के चक्कर में जिम उम जा नहीं पा रहे हैं, और खाना पीना भी ठीक से नहीं, पूरा हड्डी हो गया है रे बाबा। अपन तो कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे, जिम अब खुलने वाला है, रिकवर हो जाएगा यार। इतना शर्माती का है ना, नहीं इतना रात में कहाँ से मिलेगा फेस वॉश? मिलने का तो मिल सकता था अगर गाड़ी कहीं पे रोकते तो, लेकिन हम सीधा आ गए, कहीं पे रोके ही नहीं गाड़ी, इसलिए नहीं ला पाए। वो सालनी अचानक से हमको यहाँ पे देख के शर्मा रही है, मुंह घुमा ली पीछे, मेकअप धुल रहा है, असली रूप सामने आएगा। कुछ मेकअप नहीं किया, पाउडर बस लगाया था। वेरी गुड, लिपस्टिक के चलते हम लोग। मेरा कैमरा ही बंद हो गया था जब मैं यहाँ पे आया, तो सालनी का एक्सप्रेशन जो सालनी का एक्सप्रेशन सालनी का
रहने दो, बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अली का एक्सप्रेशन जो था वो कैप्चर नहीं हो पाया, बाद में वो देख ली, उसके बाद फिर मैं कैमरा ऑन किया, कुछ ऐसा खास एक्सप्रेशन उसका नजर नहीं आया, लेकिन हाँ मजा आया भाई झूठ बोल के। वो मतलब मैं बाइक चला रहा था उसी समय सालनी फोन की थी, और बाइक में चलाते चलाते ही इसको बोल रहा था कि मैं अभी बरियातू में हूँ, कॉलोनी पहुँचने वाला हूँ, और ये सोच रही है कि हम रांची में ही हैं। लेकिन जैसे ही हम घर पहुँचे और गेट के पास पहुँचे ना, पीछे वाले गेट जिधर से मैं गाड़ी अंदर घुसाता हूँ, तो ये उधर ही खड़ी थी, और ये देख के पूरा शौक हो गई थी कि मतलब अभी बोल रहे थे कि वहाँ है और तुरंत फिर अभी यहाँ कैसे आ गए। ऐसे इसलिए आ गए क्योंकि सरप्राइज, मेरा मुंह भी पूरा सूख गया है ठंडा के मार में, पतला हो गया है पतला। बस गाइस आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना।